हाय फ्रेंड्स, वेबकॉड स्टडी में आपका स्वागत है। आज जिस चैप्टर के बारे में मैं आपको समझाने लगा हूँ, इस चैप्टर का नाम है दोस्तों टी बिल। टी बिल का मतलब ये होता है ट्रेजरी बिल। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी हमारे देश की गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होती है, उसको अचानक कोई खर्चा करना है और गवर्नमेंट के पास उस खर्चे को मैनेज करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो गवर्नमेंट मार्केट में इशू करती है टी बिल। ठीक है, तो वो टी बिल गवर्नमेंट लोगों को देती है और लोगों को टी बिल बेच कर पैसा इकट्ठा करती है। तो वो पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे से गवर्नमेंट अपने शॉर्ट टर्म जो उसको पैसे चाहिए थे, जो उसका गोल था, जो उसका खर्चा था, गवर्नमेंट उस खर्चे को पूरा कर लेती है। अब ये टी बिल ध्यान से देखिए होता क्या है, ये एक तरह का बिल होता है। जैसे ये बिल है, गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत थी तो गवर्नमेंट मार्केट में इस बिल को लॉन्च करेगी और इस बिल की फेस वैल्यू होगी, मान लीजिए 100 रुपए की। इस बिल की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए की। तो गवर्नमेंट लोगों को बोलती है कि आप हमसे ये बिल खरीद लीजिए और हम आपको ये बिल डिस्काउंट वैल्यू पे देंगे, डिस्काउंट वैल्यू पे, यानी 80 रुपए में देंगे। तो लोग इस बिल को 80 रुपए में खरीद लेते हैं। अब लोगों को ये जो बिल दिया जाता है, ये एक टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है। जैसे इसका जो टाइम पीरियड होता है, शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड होता है, ये 1 ईयर से नीचे का टाइम पीरियड होगा, 1 साल या 1 साल से कम का टाइम पीरियड होगा। जैसे ये 50 दिनों का भी हो सकता है, ये 90 दिनों का भी हो सकता है, ये 180 दिन का भी हो सकता है, ये 360 दिन का भी हो सकता है। गवर्नमेंट क्या करती है, टी बिल को मार्केट में बेचती है। ठीक है, जैसे इसकी फेस वैल्यू 100 रुपए की है और डिस्काउंट वैल्यू पे गवर्नमेंट लोगों को देगी 80 रुपए में, और इसका एक टाइम पीरियड होगा। और इस टाइम पीरियड के बाद लोग इस टी बिल को गवर्नमेंट को वापस कर देंगे, और जब वो वापस करेंगे तो उनको फेस वैल्यू यानी 100 रुपए दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझा रहा हूं, कि गवर्नमेंट फेस वैल्यू टी बिल की कितनी है, 100 रुपए की। एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए की इसकी फेस वैल्यू है, गवर्नमेंट ने लोगों को ये दिया कितने का, 80 रुपए का दिया। तो लोग 80 रुपए में ये टी बिल खरीद लेते हैं, और जब इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो लोग इस टी बिल को वापस करेंगे गवर्नमेंट को, वापस करेंगे। जब ये वापस करेंगे टी बिल को गवर्नमेंट को, तो क्या होगा, इन्होंने 80 रुपए में खरीदा था तो इनको वापस जो पैसे मिलेंगे वो 100 रुपए मिलेंगे, यानी टी बिल की फेस वैल्यू लोगों को मिलेगी। लोगों का ये बेनिफिट हो जाता है कि उन्होंने खरीदा डिस्काउंट पे था, पर जब वो गवर्नमेंट को टी बिल वापस करते हैं उनको फेस वैल्यू मिल जाती है। और गवर्नमेंट टी बिल मार्केट में लोगों को क्यों देती है, कि गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत थी, उनको कोई खर्चा करना था, वो खर्चा मैनेज हो जाता है, और शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए, यानी ये जो टी बिल होते हैं ये 1 साल या 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए होते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए जो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था वो गवर्नमेंट के पास इकट्ठा हो जाता है और गवर्नमेंट उससे अपना खर्चा मैनेज कर लेती है। उस टाइम पे गवर्नमेंट का खर्चा पूरा हो जाता है। टी बिल गवर्नमेंट अपने खर्चे को मैनेज करने के लिए मार्केट में लॉन्च करती है। कौन सी वैल्यू पे लॉन्च करती है, डिस्काउंट वैल्यू पे। लोगों का ये बेनिफिट हो जाता है कि लोग टी बिल में इन्वेस्ट करके अपने पैसे, जैसे उन्होंने डिस्काउंट वैल्यू पे ले लिया, उनके पैसे इन्वेस्ट हो गए, बाद में जब वो गवर्नमेंट को टी बिल वापस करेंगे तो उनको टी बिल की फेस वैल्यू मिल जाएगी। गवर्नमेंट को ये फायदा हो जाता है कि गवर्नमेंट को उस समय जब पैसों की जरूरत थी तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास इकट्ठा हो जाता है और वो अपना खर्चा मैनेज कर लेती है। इसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल, और ट्रेजरी बिल लोग आराम से खरीद लेते हैं क्योंकि ट्रेजरी बिल पे लोगों का ट्रस्ट होता है और ये गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किए जाते हैं। थैंक यू। आई थिंक इस वीडियो में मैं आपको ट्रेजरी बिल के बारे में समझा पाया हूं। आप हमारी कंपनी के वेबकॉड स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।